यहाँ पधारे सारे भी श्रोता दर्शक समीक्षक मीडिया के हमारे मंत्री, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ आयोजक जो है अविनाश जी और उनके साथ समरेंद्र जी और इस कार्य को करने के लिए, इस आयोजन को करने के लिए जैसे भी सोचा गया बहुत ही अच्छा हुआ। यही बताता है कि हमारी जो भोजपुरी है प्लस माइनस तो है, अपनी जगह पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात जो मेरी समझ आती है कि ये जागृति जरूर हुई है, तभी नौजवान जो हमारे हैं उनके मनों में भी ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेरी मन में आता है या वो उसके बारे में वो सोचते हैं। ये जागृति है, ये चेतना है, ये खुशी की बात है कि हम आज अपनी इस भाषा के लिए चिंतित हैं और निश्चय ही इसे, इसमें जो त्रुटियां हैं उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने कुछ विचार लिखे थे, मैं उनको बस पढ़ती हूँ आपके सामने और एक दो बात में, बस बहुत आप लोगों ने सुना है, मैं अधिक तारीफ करना नहीं चाहती। भोजपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस समारोह में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जहाँ तक भोजपुरी सिनेमा की यात्रा का सवाल है, इसे वर्तमान संदर्भ में व्यापक दृष्टि से विचार करने की जरूरत है। एक लोक गायिका, मेरा तो संबंध फिल्मों से बहुत ज्यादा नहीं रहा है, लोक गायन के क्षेत्र में रहा। एक लोक गायिका के रूप में जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों के सफर में पूर्वार्ध का सफर, जहाँ जीवन मूल्य प्रधान फिल्मों एवं गीतों का दौर रहा, वहीं वर्तमान सफर अर्थ व्यवसाय प्रधान फिल्मों और गीतों का है। मुझे लगता है आप सहमत होंगे, व्यवसाय बहुत हुआ है, वो भी जरूरी है जो इस दौर में हुआ है। और इन दोनों दौर की फिल्मों में भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति ने क्या खोया, क्या पाया, थोड़ा बहुत हर एक व्यक्ति, हम सभी महसूस कर रहे हैं। वर्तमान भोजपुरी फिल्मों के गीतों में जो दिख रहा है उसे एक वाक्य में यदि कहूँ तो यही कहूंगी कि यदि फिल्म और गीत देश काल और परिस्थिति से बेपरवाह हो, साहित्य संस्कृति एवं भोजपुरी की लोक परंपरा की मर्यादा के प्रति उदासीन हो, गीत साहित्य के रस भाव एवं अलंकार आदि गुणों से रहित हो, तो भोजपुरी को क्या मिलेगा? यह सवाल वर्तमान दौर के फिल्म निर्माता, लेखक, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिकाओं सबों के लिए। मुझे भोजपुरी लोक में, समाज और राष्ट्र में भोजपुरी संस्कृति की मौलिकता के लिए ही किसी योग्य समझा गया और भोजपुरी की बेटी के रूप में सम्मान मिला, आपका प्यार मिला। मुझे विश्वास है कि भोजपुरी की मौलिक परंपरा आज भी कालजयी है। फिल्मों का विकास बहुत अच्छी बात है, बशर्ते उसमें लोकहित एवं भाषा हित की मर्यादा का अतिक्रमण न हो। हमें यह नहीं भूलना है कि दुनिया भर के 30 करोड़ लोगों की जुबान लोक जीवन है और लोक जीवन से जुड़ा है रीति रिवाज, पर्व त्योहार एवं प्रकृति के साथ संबंधों पर आधारित लोकगीत, लोक भजन और मौसम पर आधारित भोजपुरी गीत संगीत। इस आधार पर भोजपुरी फिल्म के वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर विचार करें तो सुशिक्षित, कला संपन्न, पारंपरिक एवं व्यावहारिक गुण से संपन्न भोजपुरी समाज के स्त्रियों को माँ, बेटी, बहू, बहन, भाभी, सास, ननद आदि का रूप
गौण हो जाता है और भोजपुरी के नाम पर जिस प्रकार का स्त्री चरित्र सुप्रचारित हो रहा है उससे न सिर्फ सचित्व का अस्तित्व संकट में है बल्कि नारी सम्मान को भी छेद। भोजपुरी फिल्म के उत्तेजक गीत एवं भावक नृत्य आदि के दृश्य में जो दिख रहा है दूर दूर तक उसका संबंध भोजपुरी समाज और संस्कृति से नहीं। गीत जो भी होते हैं उसका जो प्रदर्शन हम करते हैं उसमें जो कॉस्ट्यूम हम देते हैं थोड़ा सा उसको कम से कम मर्यादा के अंदर अगर रखा जाए तो हमें इतना ज्यादा विचार उसके लिए नहीं करना। सही बात। इससे भोजपुरी फिल्मों के नारी चरित्रों में भोजपुरी आदर्शों का समावेश आवश्यक ताकि वर्तमान पीढ़ी के लिए अपने परंपरागत आदर्शों को प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि नारी की लक्ष्मी छवि त्यागमूर्ति छवि वत्सला चरित्र वीर साहसी चरित्र का सौंदर्य भी भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहिए तभी भोजपुरी समाज का नारी सम्मान सुरक्षित होगा। श्रुति परंपरा में कंठ से कंठ तक उतरती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी भोजपुरी संस्कृति में निहित जीवन मूल्य एवं सामाजिक समरसता की पहचान बनी है। जीवन दर्शन से लेकर राष्ट्र भक्ति तक भोजपुरी लोकगीतों की परंपरा समृद्ध है। संत कबीरदास से लेकर बाबू रघुवीर नारायण तक के कालखंड में रचित भोजपुरी गीतों में उसकी झलक मिलती है जो उन्होंने सुंदर भूमि दी है भारत के देशवासी। उनका जो ये गीत है अमर गीत। आज जबकि भोजपुरी शास्त्रों दरकार मॉरिशस में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है अपने ही देश में भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं पूछती हूँ क्यों? जब अपनी संस्कृति है हमारे संस्कार है बहुत सारे न जाने कितने क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में जगह मिल गई भोजपुरी को क्यों नहीं मिली? ये बहुत आवश्यक अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बाद भोजपुरी के विकास उत्तर उत्तर विकास चौपट और भी सुंदर तरीके से खुल जाता है। बहुत सारे अवसर आएंगे कॉम्पिटिशन में जाने के लिए राइटर्स को जो इसमें कलाकार हैं उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं सबों को एक प्रोत्साहन जो खास प्रोत्साहन है फिल्मों के लिए वो सब मिल पाएंगे और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। उससे प्रेरणा मिलती है उससे जवाबदेही आती है और आगे और अच्छे कार्य करने के लिए या अगर हमने गलतियां की हैं तो उसे सुधारने के लिए एक मौका मिलता है। इसलिए इसे और भी बहुत सारे कारण संविधान में के अष्टम अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करना अत्यावश्यक है और इस मुहिम को जो ये चली है हमें इस कड़ी को हम सबों को जोड़ कर रखना है आवाज उठाना है ताकि ये जल्द से जल्द हो। बुद्धि जी की बात आगे बढ़कर भाषा को सम्मान देना तब आम जनता भी ऐसा ही होगा हम सबों को मिलना पड़ेगा। ये एक टीम वर्क है। भोजपुरी फिल्मों की सफलता विफलता का आकलन समग्र रूप से होना चाहिए। यदि आज भोजपुरी फिल्मों का उत्कर्ष काल है तो इसका दर्शक वर्ग कैसा तैयार हुआ है? उन दर्शकों से भोजपुरी अस्मिता का भविष्य क्या हो? बहुत सारी बातें हैं इस विषय में करने के लिए। मैं जो इन दिनों अल्पजीवी इतनी अच्छी भोजपुरी गीतों से जो हानि होती है उन सबों से मैं बहुत दुखी रहती हूँ और मैंने आज लगभग 25 वर्षों से आवाज दे रही हूँ और कोशिश किया है। सबसे पहला प्रयास मेरा है कि मैंने इस आधी दौर के तूफान में भी अब तक जब भी कभी मौका आया है बहुत अच्छे भी आर्थिक रूप से भी तो मैंने स्वयं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिल्कुल नहीं किया और जो भी अन्य तरीके से जो हमें समझाना था बुझाना था प्रभावित करना था कोशिश करके कुछ इस तरह के कार्य किए। सरकार में भी कुछ लोगों से मिली और
आपका जो माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, कई बार रूबरू हुई हूँ और खास करके ऐसे जो गीत हैं, ये नहीं कहते कि अच्छे गीत नहीं है, फिल्मों में अच्छे गीत भी हैं, मगर क्या जरूरत है कि हम प्रोवोकेशन डालें उस गीत में, क्या जरूरत है कि हम सेक्स दिखाएं भी, ये क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि बहुत ही सुलभ सुंदर ढंग से और शैलक ढंग से भी, श्रृंगार से परिपूर्ण ढंग से भी हम उसे दिखा सकते हैं जिसमें हर भाव समाहित होगा। मैं अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि दो चार बिंदु जो मेरे मन में और हैं आपके सामने रखती हूँ। फिल्म का कंटेंट, जो भी फिल्म में जो कंटेंट है उसे रिच बनाना जरूरी है। स्टोरी का चयन बहुत ही सोच विचार के करना चाहिए, और मैंने सुना कि वो स्टोरी मिली नहीं, हमने बहुत ढूंढा मिली नहीं, मैं नहीं मानती मिली नहीं, इसके लिए आपने कितने प्रयास किए। सही बात, कहाँ ढूंढा आपने, स्टोरी तो आपके इर्द गिर्द घूमती है, हर दिन हर क्षण हर पल आपके सामने स्टोरी है, स्टोरी को ढूंढा कहाँ आपने, आपको स्टोरी ढूंढना है, स्टोरी पैदा करना है, बनाना है और तब उस पर काम करें। मैं पूछती हूँ, अभी ये जो कोसी की बाढ़ आई थी, ये क्या कम मुद्दा है, ये जो विदम इतनी बड़ी प्राकृति से गुजरे हैं, तो क्या उस पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती, इतने दुख लोगों ने काटे हैं, उसमें अभी काट रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और उसके जरिए हम आम लोगों तक, सरकार तक, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल, सभी जगहों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो सभी जानते हैं, लेकिन फिल्म जैसे सशक्त माध्यम से अगर ऐसे विषयों पर भी ये स्टोरी भी दी जाए तो बहुत उत्तम है, और बिल्कुल एक नजरिया बदलेगा लोगों को एक इस मुद्दे पर भी सोचने को, जैसे हम आज भोजपुरी के लिए सोच रहे हैं, वैसे भोजपुरी में इस विषय को ला सकते, ऐसे ऐसे अनंत बहुत सारे जिन मुद्दों को स्टोरी के रूप में लाना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा, हम जो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो महिलाओं को प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, भोजपुरी सिनेमा में डॉक्यूमेंट्री मूवीज आने चाहिए विषय विषय। मैंने पहले भी ड्रेस कोड के बारे में बोला है, मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में और सशक्त तरीके से मैं कह रही हूँ कि मुझे, मैं कह भी नहीं पा रही कि मैंने जो पोस्टर्स देखा है बराबर, बहुत दुख होता है, क्यों औरतों को इस तरह से ड्रेस पहना के दिखाया जाता है, कामुकता से भरा हुआ पोस्टर, क्यों, एक ही चरित्र है औरत के पास, वही देखने से लोग फिल्म देखने आएंगे, ये तो भ्रम है, यह भ्रम है आपका कि वही देखने के बाद लोग फिल्म देखने आएंगे और हॉल भरेगा और आपकी फिल्म डायमंड जुबली तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है एक फिल्म, दो फिल्म, चार फिल्म, पांच फिल्म आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, अच्छी चीजों को पसंद करेगी, हमें परोसना अच्छा पड़ेगा, मामूली चीज को भी, मामूली सा कपड़ा होता है उसे अच्छी फिटिंग की अगर सिलाई जाती है, दर्जी अगर अच्छे से सिलता है तो वो भी पहनता है आदमी, और एक 5,000 का कपड़ा भी पहनता है आदमी, तो अच्छे तरीके से उसे हमें उसमें समाहित करना पड़ेगा। भोजपुरी सिनेमा एवं लोकगीतों को सख्त और ईमानदार सेंसर बोर्ड की जरूरत है। बहुत पहले, लगभग 3 वर्ष पहले, मुझे याद है 3 वर्ष पहले मैंने फेसबुक पर और कुछ के जरिए ये सवाल उठाया था, मैंने कहा था, रिक्वेस्ट भी किया था, चर्चा करा, सेंसर बोर्ड यूं ही बन जाता है और फिल्में भी उनमें से यूं ही निकल जाती हैं,
संसद बोर्ड का कोई अर्थ होना चाहिए, संसद बोर्ड शब्द होना चाहिए। मैं निगेटिव बात नहीं करने गई, मैं चाहती हूँ कि फिल्में खूब बने, अधिक से अधिक बने, लेकिन फिल्मों में जो बात मैं कह रही हूँ उस तरह की बातें अवश्य होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड को सख्त और ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार से मेरा मतलब है उसे सजा सवरा रूप में बाहर निकलने दें, न कि उस भोंडापन के साथ। और अब अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नए नए इश्यूज पर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए, फिल्म बनाए। आज ये बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा सुंदर आयोजन आपने किया है, ऐसी चर्चा रखी है आपने। और मैं तो एक लोकगीत गायिका हूँ, बस फिल्मों से मेरा बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है, जब कभी मौका मिला तो मैंने गा दिया, जैसे मैंने गा किया। फिर एक हम आपके हैं कौन, वो एक पारिवारिक फिल्म थी, उसमें गाया। फिर माई फिल्म जो आई थी 1988 में, उसमें हमने गाया था, शायद कहीं वो याद हो तो मैं वो विदाई गीत आपको दो पंक्ति जरूर सुनाना चाहूंगी। मातृभाषा मैथिली है,
मेरी भाषा मैं तो घर में मैथिली बोलती हूँ, और बस ये जरूर है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार नौ का प्यार मिला। मैंने जितनी भाषाओं में गाई मैंने गाया मैथिली भोजपुरी मगही बजीका बहुत सारी भाषा इस तरह से जो अपने क्षेत्रीय भाषा है। तो जरूर चूंकि आपने जिस गीत की चर्चा की वो एक लाइन जरूर मैं गाऊंगी क्योंकि वो शायद मेरी पहचान बन गई है उन गीतों के जरिए और भी अभी। इसके बाद बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। आप बैठे रहे, मैं चाहूंगा कि इतने बड़े आयोजन को जिन्होंने साकार रूप दिया है, अविनाश जी और समरेश जी, मैं चाहूंगा कि आए दर्शकों का आप सबका